हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संजय सुमन, संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ये गाइस जानते हैं आप कि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब में पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, और अभी तक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एलजेब्रा का कुछ वीडियोस में पार्ट 10 तक करवाया था, और उसके ठीक बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। लेकिन गाइस, कुछ बच्चों का कहना ये था कि सर, हम लोग को कमर्शियल मैथ्स का भी कुछ पार्ट करवाया कीजिए, जिससे कि हम लोग प्रैक्टिस में रहें और हम लोग इस पर काम करते रहें। तो गाइस, चलिए आज हम लोग कमर्शियल मैथ्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उनमें से कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि सर, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता है, तो हम लोग उसको कैसे जल्दी से करें, हम लोग को कैसे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा हम लोग को कुछ टिप्स बताइए। तो गाइस, मैं आज ज़्यादा तो कुछ नहीं बल्कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। एक बात ध्यान सुनिएगा कि जो बच्चे नए होंगे उनको एक चीज हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत होगा समझने में शुरू शुरू, लेकिन गाइस, अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बाद वाला वीडियो में आ रहा होगा। ये एक्चुअली ट्रायल वीडियोज है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। और यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं सीधे रैंडमली कहीं कहीं से मैं क्वेश्चन उठाऊं, प्रीवियस ईयर से मैं सॉल्व करूं, तो आपकी क्या राय है, आप किस रूप में पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज मेरे को मेंशन कीजिए कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं या रैंडमली क्वेश्चन को उठाऊं और सीधे सॉल्व करूं इसको, ठीक है गाइस। तो चलिए, मैं आज स्टाइल वीडियो को स्टार्ट करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रही आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने किसी व्यक्ति को 3,000 रुपए दिया, 3,000 रुपया, और 3 वर्षों में वह 3,993 रुपये हो जाता है, ठीक है गाइस। तो पूछा आपसे क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। गाइस करते क्या, एक बात ध्यान समझिएगा कि गाइस, प्रिंसिपल को नीचे रखते हैं हम लोग, अमाउंट को ऊपर रखते हैं, और इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है वह होता है सीआई। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल नीचे, अमाउंट ऊपर, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, सीआई होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाइस, प्रिंसिपल है 3,000 रुपया और वह 3 वर्ष में हो जाता है 3,993 रुपया। कितने वर्षों में? 3 वर्ष में। तो गाइस, जब 3 वर्ष कहेगा तो हम यहां पर लगा देंगे क्यू रूट, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो लगा देंगे अंडर रूट। जब इसको स्मॉलेस्ट टर्म में तोड़ रहे होंगे तो गाइस ये आ जाएगा 1331 और ये आ जाएगा 1000, देख पा रहे होंगे। तो गाइस, 1331 का क्यू रूट कितना होता है? 11, और 1000 क्यू कितना होता है आपका? क्यू रूट 10 आता है। अब बताइए गाइस कि प्रिंसिपल 10, अमाउंट हो गया कितना? 11। तो गाइस, 10 से 11 होना मतलब क्या, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 10 से 11 हो गया मतलब कितना बढ़ा? 1। कितना से? 10 से, 1/10 हो गया, और 1/10 का मतलब होता है 10%, और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है जी, वेरी गुड। गाइस, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा क्या कि प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 रुपया, ध्यान से देखिएगा, रेट दिया है गाइस आपको 4%, टाइम दिया था कितना गाइस आपको? 2 वर्ष। पूछ रहा है क्या आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए अर्थात सीआई निकालिए, यह पूछ दिया आपसे। लेकिन ध्यान से एक लाइन लिखा हुआ है कि व्हाइल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्थात जबकि वार्षिक ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यह बात मेंशन कर दिया है गाइस। तो जब गाइस अर्धवार्षिक रूप से मेंशन होता है कभी भी क्वेश्चन में, तो आप जानते होंगे कि गाइस रेट जितना भी दिया रहेगा उसका हम लोग आधा कर देते हैं, तो 4% का आधा कितना हो जाएगा? 2%, यह क्वेश्चन के अनुसार, और टाइम इसका डबल हो जाता है, तो 2 दिया है तो टाइम कितना हो जाएगा? 2×2 मतलब 4 हो जाएगा, टाइम 4 वर्ष के लिए काम करेगा और रेट 2% पर काम करेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है जी। अब बताइएगा इसकी, अब 2% के लिए 4 बार कैलकुलेट करेंगे
4 टाइम्स के लिए, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए रहे तो चलो ठीक है, लेकिन 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का निकालना पड़े, 5 वर्ष तो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन 4 वर्ष तक कभी कभी पूछ देता है, तो यह काइंस टाइम ज्यादा लगेगा। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक बातों पर थोड़ा ध्यान रखें। मैं एक थोड़ा सा नोट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अगर गाइस आर परसेंट का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ए कुछ दिया होगा, जहां ए का मान, ए परसेंट का मान 2%, 3%, 4% कुछ भी दिया रहेगा, वाट एवर, 2%, 3%, 4%, 1%, 2% कुछ भी दिया रहेगा। तो गाइस हम 2 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे सी आई? 2 वर्ष के लिए तो सीधे कर देंगे कि ए स्क्वायर और 2a, ए स्क्वायर है और यह क्या है 2a हो गया। 3 वर्ष के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे इस हम लोग, तो ए क्यू 3a स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 3a। ध्यान से देखिएगा, अगर 4 वर्ष के लिए कहेगा इस 4 वर्ष के लिए, तो इसका रूल होता है a टू द पावर 4, 4a क्यू, 6a स्क्वायर और यह हो जाएगा 4a। अब एक बात उठती है कि यह आता कैसे है, कैसे समझेंगे? तो मैंने बताया कि यह तो मैंने आपको ट्रायल वीडियो ग्रुप में लेके आया हूं, अगर आप बेसिक्स अगर सीखेंगे तो सारे चीज आप जान रहे होंगे कि कैसे हम लोग यह रूल को निकालते हैं, कैसे बनाते हैं गाइस। तो फिलहाल देखिएगा, मान लीजिए गाइस कि आपका रेट हमारा 2% है, तो 2 वर्ष के लिए सही क्या बनेगा, तो 2 का स्क्वायर करो कितना 4। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी अगर स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के फलस्वरूप अगर सिंगल डिजिट आ रहा होगा तो 0 लगाकर डबल कर दीजिएगा। अब 0 इधर नहीं लगाना है, जिधर 0 किधर लगाना है, इधर लगाना है, यह हो गया। अब उसके बाद क्या है, बीच में पॉइंट दिया तो हमें पॉइंट दे दिए और 2a मत 2 देने के 4 और यह हो गया परसेंटेज। ठीक है जी, यह हो गया सी आई। अगर मान लीजिए काम कर 3 वर्ष के लिए रेट हम वही 2% ही रखे हैं, तो 2 का क्यों कितना हो जाएगा 8, तो 0.8 बोलेंगे। 2 का स्क्वायर 4 तिया के 12 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यह हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं 4 वर्ष के लिए, क्योंकि यहां पर मेरे को निकालना कितना 4 वर्ष के लिए निकालना है। तो गाइस 2 का पावर 4 करो कितना आ जाएगा 16, 2 का पावर 3 मतलब 8 चौके 32, 2 का पावर 2 मतलब कितना 4 छक्का 24 और 4 दुनिया के 8। इसी प्रकार से 3 वर्ष के लिए 3% के लिए, 4% के लिए, सभी पर आप इजिली काम कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ये बताया नोट ये समझाने के लिए, अगर आपको याद रहता तो मैं इतना नहीं बताता। लेकिन अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्या कि गाइस प्रिंसिपल दिया कितना मेरे को 10,000 जी, तो हम यहां पर 10,000 पुट कर दिए। ठीक है, 2% पर 4% 4 वर्ष के लिए क्या बोलता है रेट मेरा इतना होता है, तो सीधे निकालते 8243216% का मतलब 100 हो गया। अब पॉइंट के बाद कितना आ गया जी, पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 0 2 2 4 2 6 0। ठीक है, अब देखिए गाइस यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल आउट, अब तो कोई नहीं कटेगा। तो गाइस 2 और 2 4 0 2 और 2 4 मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 824.3216 आएगा, लेकिन आंसर आपको इतना ही तक मिल जाएगा, यह रुपीज होगा 824.32 रुपीज और यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। अल्टीमेटली मैं बताना चाहता हूं गाइस कि आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र और मात्र इतना था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यह कैसे होता है। विशेष जानकारी के लिए हम इस पर आएंगे लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन बाद। ठीक है गाइस, गुड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स अर्थात कितने वर्षों में, प्रिंसिपल दिया है 2,000 रुपया, कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया है 10% और यह धनराशि 2420 रुपया हो जाती है। प्रिंसिपल 2,000 रुपया, रेट 10%, अमाउंट 2420 रुपया हो जाती है। तो पूछा आपसे क्या कि कितने वर्ष, मतलब टाइम निकालना है, टाइम आपसे पूछा गया। अच्छा से दिख रहा है गाइस, थोड़ा एक्चुअली मेरा मोबाइल का पिक्चर क्वालिटी खराब हो गया है, इसलिए काम चलाइए, जल्दी ठीक कर लिया जाएगा इसको भी। तो गाइस प्रिंसिपल 2,000 रुपया है, आप करते क्या, मुझे टाइम निकालना है। क्वेश्चन क्या करा, इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 2000 अमाउंट्स 2,420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन है गाइस। तो कितने वर्षों में कहा है, तो गाइस ये बताइए कि 10% का मतलब क्या होता है,
10% का मतलब होता है गाइस 1/10, ठीक है जी। ये 1/10 हो गया, ये 10 क्या है प्रिंसिपल और 1 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट। 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो गाइस यह लेगा रूप 11/10। अब गाइस जैसे ही यह इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा क्या आपका अमाउंट, और ये नीचे वाला बात क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। जैसे इंटरेस्ट को ऐड करेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11/10 मतलब 11 कहलाएगा अमाउंट और 10 कहलाएगा क्या आपका प्रिंसिपल 1 साल का। लेकिन कितने साल में टाइम नहीं मालूम है, तो मैं टाइम को मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया है, कितने वर्षों में। तो गाइस अब यहां से मैच कर लीजिए कि प्रिंसिपल आपको 2,000 रुपया दिया हुआ है और यह दिया है अमाउंट 2,420 रुपया, मतलब ऊपर में अमाउंट आना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है जी। वेरी गुड, आप करते क्या कि 11/10^n, अब यह कट जाएगा गाइस तो यह हो जाएगा कितना 121 और यह हो जाएगा 100, मतलब 121 और यह हो गया 100। क्या मैं इसको 11/10 का स्क्वायर कर सकता हूं, जब इसको कैलकुलेट किया मैंने तो 121/100 आया, तो 121 को मैं 11 का स्क्वायर और 10 100 को मैं 10 का स्क्वायर कर सकता हूं। तो गाइस 11/10 11/10 कट किया तो एन का मान क्या आ गया 2 और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब एन का मान कितना 2%। समझ पा रहे मेरी बात, वेरी गुड। यानी कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें किया क्या, देखो मैंने देखा कि यार 10% दिया हुआ था, 10 मतलब कितना 1/10 हुआ, जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो 11/10 हो गया। अब गाइस 11/10 का मैंने पावर नहीं मालूम था कितना होना चाहिए टाइमिंग, लेकिन यहाँ पर दिया था 2420 और यहाँ दिया था 2000, जब मैंने छोटा किया तो यह आ जाएगा कितना गाइस यह 121 और यह 100, मतलब 11/10 का होल स्क्वायर, यह कट जाएगा एन का मान क्या आ जाएगा 2 और यही क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब 2 वर्ष। वेरी गुड, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया है 1,000 रुपया और अमाउंट दिया है 1,331 रुपया, यह रेट दिया है 10%। यह फिर से वही काम कीजिएगा, इसकी 10% मतलब हो गया कितना आपका 1/10, 1/10 लिखते 10 में जैसे 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10। यहां पर आपको नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, यह 1331 बटा में 1000 मैंने कह दिया, यह कह दिया। अब इसी को मैं यह कह सकता हूं कि 11/10^3, बोलिए हाँ है ना, 11 क्यों करेंगे 1331 होगा, 10 से क्यों करेंगे 1000 आ जाएगा, यह बात यह बट कट गया, एन का मान कितना 3 वर्ष और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो गाइस यह तो आपका क्वेश्चन है, आंसर आपका मात्र इतना ही में हो गया आपका, ठीक है जी। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए 4 पर देखिएगा। कह रहा है क्या कि द प्रिंसिपल विच अमाउंट रुपीज, अमाउंट दिया है कितना 2,740 रुपीज, यह दिया हुआ है। टाइम दिया है गाइस 2 वर्ष, यह टाइम दिया कितना 2 वर्ष और रेट दिया है आपको 4%। पूछा आपसे क्या कि सीआई निकालो जी, पूछा क्या आपसे सीआई, ध्यान रखिएगा अमाउंट 270 रुपया 40 पैसा, टाइम 2 वर्ष, रेट 4%, सीआई निकालना है। तो गाइस एक चीज जानिए कि 4% का मतलब होता है क्या, 4% मतलब 1/25 हो गया, 25 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26/25। अब जैसे ही जोड़ने के बाद आएगा तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगा अमाउंट और नीचे हो जाएगा प्रिंसिपल, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह 1 साल का आएगा, अब रही बात टाइम 2 साल दिया है तो हम पावर 2 कर देंगे, यह कितना ले लेगा आपको 676/625। अब बताइए गाइस कि यही चीज आपको ऑलरेडी दिया होगा कि अमाउंट कितना है 270 रुपया 40 पैसा, मतलब 270 रुपया 40 पैसा दिया हुआ है, तो 676 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.4। आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिएगा इस, तो 676 में गुना करेंगे 0.4 से तो ये इतना आ जाएगा। अब इसी 0.4 से अगर मैं यहां पर गुना कर दूं इसमें तो यह आ जाएगा 250 रुपया और यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैंने क्या बताया कि 4% का मान 1/25 हो गया, 25 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे गाइस तो 26/25 हो जाएगा और 26/25 मतलब ऊपर में प्रिंसिपल, सॉरी ऊपर अमाउंट और नीचे हो गया प्रिंसिपल। अब टाइम जितना भी दिया रहेगा, 2 वर्ष दिया है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 वर्ष दिया रहता तो मैंने क्यू करता, तो 26 का स्क्वायर 676 और यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625।
अब देखिए इसकी दिया क्या है, आपको अमाउंट दिया है तो हम अमाउंट से कंपेयर करते, अगर प्रिंसिपल दिया होता तो प्रिंसिपल से कंपेयर करते, लेकिन गैस दिया क्या आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो हम इससे इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने बाद क्या आएगा 0.4, इसी 0.4 से हम मैंने गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 250, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको बनाने के और भी सारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को जल्दी करना है इसलिए मैंने इस पर काम किया। ठीक है गाइस, वेरी गुड। चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा, इसका छठा क्वेश्चन क्या करा कि प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम है, ठीक है जी, लेकिन यह धनराशि दो वर्ष में कितना हो गया तो 9680 रुपया हो गया, 9680 रुपया। जब इसी धनराशि को अगर मैं 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया होता तो यह मिलता कितना 10648 रुपया मिलता। ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल यह है, अगर मैं 2 वर्ष के लिए दिया इसको गाइस तो कितना मिला 9680 रुपया, लेकिन गाइज मैंने इसको 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया तो कितना मिल गया 10648 रुपया, यह दिया हुआ है। पूछा आपसे क्या कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें, मतलब आर निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा कि ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 10,648 इन 3 ईयर्स एंड 9,680 इन 2 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यह क्वेश्चन है इसका, समझेगा ध्यान से। यह कह रहा है कि प्रिंसिपल मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैंने प्रिंसिपल को 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया तो 9680 रुपया हो गया, 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया होता तो यह मिलता कितना मेरे को 10648 रुपया मिलता है 3 वर्ष पर। पूछा आपसे रेट पूछा है, तो गाइस एक चीज बताइए कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो यह कितना देगा, घटा के दिखेगा तो यह आएगा 968 रुपया आएगा, यह कहलाएगा ब्याज। अब 968 बटा 9680 कर देंगे और यह परसेंटेज निकालना मेरे को, यह तो गाइस यह कट जाएगा 10 बार में और इससे मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, आर का मान 10%, और यह क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर आप इस पर कैसे कंपेयर कर दीजिए, तो गाइस एक चीज जानिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में होना क्या है कि हर एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वह प्रिंसिपल में एड हो जाता है और एड होने के बाद वह बन जाता है अमाउंट, ठीक है, और वह अमाउंट जो है गाइस अगले साल के लिए फिर से प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। तो गाइस अगर यह प्रिंसिपल होगा तो मेरे को मिला कितना अमाउंट, यह वाला, तो यहां का जो बीच का डिफरेंस होगा कितना 968 रुपया, कितना से 9680 रुपया से, एज ए प्रिंसिपल मान के मैंने काम किया तो कितना आ गया इसका आंसर 10%, और ये इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है। ठीक है गाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन में क्या कि प्रिंसिपल गाइस दिया आपको 2304 रुपया, यह थोड़ा फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। प्रिंसिपल 2304 रुपया, अमाउंट गाइस दिया आपको 2500 रुपया, यह दिया हुआ है, टाइम दिया है कितना आपका 2 साल, यह दिया है। सिंपल सी बात पूछी इसमें आपको क्या कि आप बताइए इसमें कि रेट क्या होगा, यह रेट परसेंट निकालना है गाइस आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली में, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको चीज, मैंने बताया था जस्ट आपको कि ऊपर में अमाउंट रखना, नीचे प्रिंसिपल, ये रखना आप। तो गाइस अमाउंट है कितना आपका 2500 रुपया और रेट कितना है इसका, सॉरी प्रिंसिपल कितना है इसका 2304 रुपया, यह दिया हुआ है, ठीक है। अब जितना भी टाइम दिया है 2 साल दिया है तो मैंने इसको अंडररूट कर दिया, 3 साल दिया रहा था तो मैंने इसको क्यूरूट कर दिया, तो 2 साल दिया है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया। अब स्क्वायर रूट करेंगे गाइस तो कितना आ जाएगा, यह 50 और यह कितना आ जाएगा आपका 48 का। अब बहुत सारे बच्चे को स्क्वायर रूट नहीं मालूम होगा तो वह अलग से निकालना पड़ेगा आपको, समझेगा ध्यान से गाइस, यह हो जाएगा। जब इसे छोटा करेंगे तो यह आ जाएगा 25 और यह आ जाएगा 24, यानी 25/24। अब बताइए गाइस कि 24 से मिलेगा अगर 25, 24 से हो गया 25 तो बड़ा कितना 1 रुपया, कितना से 24 से, तो 1/24 इंटू 100 जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 41/6%, यह क्वेश्चन का आंसर होगा। डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 6×24, 25×100, 25/6 करेंगे कितना आ जाएगा 41/6%, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए सम बिकम्स 1352, मतलब अमाउंट गाइज दिया है 1352, ये दिया हुआ है। टाइम दिया है गाइज आपको 2 वर्ष, यह टाइम दिया 2 वर्ष। रेट दिया है गाइज 4%, यह रेट दिया 4%। पूछा आपसे क्या कि प्रिंसिपल निकाले, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, ठीक है, ये सब के सब ये रुपीज में है ना। तो गाइज प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए, पहले समझिएगा कि रेट गाइज 4% दिया है, तो 4% का मान क्या होता है, 1/25। अब कैसे होता है इसकी विस्तृत जानकारी हम बेसिक कॉलेज जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आपको। 4% का मान 1/25 होता है, जैसे ही 25 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 26। अब 1 क्यों जोड़ेंगे, तो गाइज यह 25 रुपया होगा प्रिंसिपल और 1 रुपया होगा इंटरेस्ट 1 साल का, ठीक है। तो 25 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 26/25, ठीक है। लेकिन गाइज आपको टाइम दिया कितना, आपका 2 वर्ष दिया हुआ, तो 2 वर्ष दिया है तो हम इसको स्क्वायर कर दिया। अब यह हो जाएगा कितना आपका 676/625, यह हो जाएगा। अब गाइज आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से मैच करते हैं, अमाउंट दिया है तो अमाउंट से मैच करेंगे। तो अमाउंट गाइज आपको दिया हुआ ऑलरेडी कि इतना का मान आपको दिया है कितना 1352 दिया हुआ है। तो गाइज 1352 दिया हुआ है तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा भाग, ये 2 बार में जाएगा। अब उसी 2 से जो यहां पर 2 आया उसी 2 से आप नीचे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1250 रुपया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड। गाइज अगला क्वेश्चन क्या है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल आपको दिया है कितना 16,000, यह दिया हुआ है फॉर 9 मंथ। टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, ध्यान से देखिएगा ये 9 मंथ दिया हुआ है, और रेट दिया है 20%। क्वेश्चन में देख लीजिएगा यह दिया हुआ है प्रिंसिपल 16,000, टाइम 9 मंथ, रेट दिया 20%। पूछा आपसे क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, पूछा क्या आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कब, जबकि वार्षिक ब्याज की दर जो है वह त्रैमासिक अर्थात क्वार्टरली रूप से संयोजित होता है। ध्यान से देखिएगा क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तब क्या होता है गाइज। तो अगर क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो आप जानते होंगे अच्छे से गाइज कि रेट जो होता है वह चौथा पार्ट हो जाता है, तो 20 का अगर मैं चौथा पार्ट निकालू तो निकलेगा कितना 5%, और टाइम जो होता है गाइस उसमें 4 से गुना कर दिया जाता है, तो 9 × 4 मतलब 36 मंथ, और 36 को मैं अगर डिवाइड कर दो 12 से तो आ जाएगा 3 क्वार्टरली ईयर्स, 3 क्वार्टरली ईयर्स में चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब बताइए कि 5% पर 3 वर्ष के लिए अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच रेशियो क्या बन रहा होगा। जहां तक मैं जानता हूं गाइस कि 5% का मान होता है कितना 1/20, यह हो गया 1/20, जैसे ही 20 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 21/20, यह कहलाएगा, ठीक है। अब टाइम दिया कितना आपका 3 साल आ गया, तो हम इसको कर देंगे क्यू, यानी कि गाइस यह जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9261/8000। ये मैंने आपको रफ इधर कर दिया होगा, 5% मतलब 1/20, 20 में जोड़ेंगे 1 तो 21/20, अब टाइम आ चुका है 3 वर्ष क्वार्टरली ईयर्स में आ गया, तो 21 का क्यू करेंगे तो 9261 और 20 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। मैंने बताया था कि नीचे प्रिंसिपल हो गया और ऊपर क्या हो गया अमाउंट हो गया गाइस, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वह क्या कहलाएगा इसका सीआई, और सीआई कितना है गाइस इसका 1261 रुपया, कितना है 1261। अब आपको दिया क्या है 16,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसे प्रिंसिपल से मैच कीजिए कि 8,000 का मान दिया है 16,000, तो 8,000 में क्या से गुना करेंगे 16,000 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 से गुना करेंगे, उसी 2 में अगर आप यहां गुना करेंगे 1261 में 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2×6 = 12, 2×24 = 25, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 25 से 22 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, ठीक है गाइस, वेरी गुड।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल है गाइस 10,000 रुपया, R1 दिया हुआ कितना गाइस इसका 4%। R1 कहने मतलब क्या कि पहले वर्ष के लिए। R2 दिया है 5% और R3 दिया 6%। पूछा आपसे कि CI निकाले, तो CI रेट कैसे निकालते हैं आई देखिएगा। पहले हम निकालते हैं R1 और R2 से, तो गाइस 4, 5, 9 हो जाएगा और 4 बचे 20, सीधे इतना आ जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए सिर्फ इसका और इसका मैंने काम किया, 4, 5, 9 और 4, 5, 20। रूल कौन सा कहलाता है, तो रूल ध्यान रखिएगा। मैं रूल यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर रूल लिख दे रहा हूं कि XY + XY/100। इस रूल पर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 4, 5, 9 हो गया, 4, 5, 20। अब अगर मैं इस पर काम करता हूँ गाइस 6% के लिए, तो गाइस मैंने फिर से यहां पर 6 ऐड कर दिया और फिर से क्या करेंगे 9.20 × 6/100 करेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। जब जोड़ रहे होंगे तो यह आ जाएगा 15, 20। जब इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 55, 20। क्यों? क्योंकि 20 से 120 हो जाएगा, 1 बचेगा 9, 6 = 54 आ जाएगा और बटा में 100 आ जाएगा। बटा में 100 है तो अगर मैं 100 से डिवाइड करूं गाइस तो यह पॉइंट उठ कर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे गाइस यह वैल्यू और यह वैल्यू को, तो यह देगा आपको, यह वैल्यू क्या देगा आपका गाइस, तो 15.7520 यह परसेंटेज देगा। जोड़ के देख लीजिए अच्छे से, यह आएगा। अब आपको निकालना है CI, तो CI कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल दिया है कितना गाइस आपको 10,000 रुपया, 10,000, रेट आपको दिया 15.7520/100। तो यह और यह कट जाएगा। अगर मैं गाइस 100 से गुना करूं इसमें तो यह पॉइंट उठकर यहां आ जाएगा, यानी कि 15.7520 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी गुड। तो गाइज इस क्वेश्चन में मैं यहीं तक रखता हूं, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लाएंगे। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप किस रूप में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या इसी प्रकार से आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।